खबर बांदा जनपद से है, जहां बबेरू खंड विकास अधिकारी कार्यालय पर क्षेत्र पंचायत की बैठक का आयोजन ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता पर संपन्न किया गया, जिसमें बैठक पर सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सभी विभाग के आय अधिकारियों के द्वारा सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के विषय में जानकारी दी। वहीं बैठक पर खाद की समस्या, अन्न प्रथा की गोवंश की समस्या व प्रश्न चिन्ह सदस्यों के द्वारा लगाया गया। मामला बबेरू खंड विकास अधिकारी कार्यालय का है, जहां पर बबेरू ब्लॉक के सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक ब्लॉक प्रमुख रमाकांत पटेल की अध्यक्षता पर संपन्न की गई, जिसमें एक बैठक पर जिला पंचायत सदस्य अरुण सिंह पटेल मौजूद रहे। वहीं मौजूद अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के विषय में सभी को जानकारी दी। सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ कैसे व ग्रामीणों को मिले, इसकी जानकारी दी। वहीं इस बैठक में सदस्यों के द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी व बाल विकास परियोजना अधिकारी से संबंधित प्रश्न पूछा, लेकिन उसका सही उत्तर नहीं मिला, जिससे क्षेत्र पंचायत सदस्य गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में अन्ना तथा गौवंश की भयंकर समस्या है और जो अन्ना गौवंश को किसान पाल रहे हैं उसको पेमेंट नहीं दिया जा रहा। वही खाद की समस्या पर चर्चा की गई। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने आरोप लगाया कि जितने भी विकास कार्य क्षेत्र में हो रहे हैं उनकी जानकारी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को नहीं दी जाती। इस मौके पर बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मेंद्र सिंह, खंड विकास अधिकारी डॉक्टर प्रभात द्विवेदी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सुधीर गुप्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आभा अग्रवाल, पशु चिकित्सा अधिकारी लाखन सिंह, कृषि विभाग से छेदीलाल पटेल, लघु सिंचाई विभाग से ब्रजेश कुमार यादव सहित अन्य प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे। जैसा कि क्षेत्र पंचायत के एक अन्य प्रावधान है, उसके अनुरूप क्षेत्र पंचायत की बैठकें सरसार होती रहती है। पिछली बैठक 18 मई को हुई थी, बीच में मानसून की वजह से प्रमुख के द्वारा डेट नहीं प्राप्त हो सका था, तो डेट प्राप्त होने पर आज बैठक कराई गई थी, जिसमें माननीय प्रमुख के थे, जिला पंचायत सदस्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। जो भी विषय थे वो सारे विषय उच्च का निराकरण भी कराया गया। विशेष रूप से अन्ना गवंस के संबंध में बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य, ICT या एग्रीकल्चर से संबंधित आपका ओमनाथ गुप्ता, क्षेत्र पंचायत सदस्य रायान। आज क्षेत्र पंचायत सदस्य की बैठक थी ब्लॉक में, किस प्रकार की बैठक थी ये? सर, बैठक में सभी पक्ष और विपक्ष मौजूद रहा, सभी सदस्य मौजूद रहे, समाज से संबंधित या कल्याणकारी योजनाओं से चर्चा हुई और जो भी मुद्दे धरातल के उठाए गए, जो जमीन से हर एक जो वार्ड से जो सदस्य आता है, प्रतिनिधि चुन करके आता है, वो यदि यहाँ मुद्दा उठाया मगर उस तरह से उसके निरुत्तर उसका कोई उत्तर नहीं दे सके और वो उसको संतुष्ट नहीं कर सके कि क्षेत्र पंचायत सदस्य संतुष्ट हो जाए, उसमें उसको संतुष्ट नहीं है। और जो भी तमाम यदि योजनाओं की यदि बात करें तो जो भी योजनाएं यहाँ संचालित हो रही हैं तो सिर्फ एक यहाँ दिखावा और कागजों पर चल रही हैं। मैंने डॉक्टर साहब से भी सवाल पूछा कि कई रायान में 10-10 गाय एक्सपायर हो जाती हैं और गांव का इस तरह से प्रदूषण और कई समस्या, उनको कम से कम दफना दिया जाए, भूखे मर रही हैं। 115 से ऊपर गाय थी और करीबन 90 या 85 गाय बची हैं। इस तरह से ऐसी स्थितियां मतलब चल रही हैं व्याप्त हैं और यहां कुछ निरंतर कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा है। ज़्यादातर कहें कि समस्या का सवाल उठाया गया है, सबसे ज़्यादा गोवंश रहा और गोवंश के बाद अन्ना प्रथा और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की जैसे कार्य योजना है तो कार्य योजना प्रमुख जी द्वारा कुछ नहीं ये कहा गया कि जो क्षेत्र पंचायत सदस्य आए हुए हैं तो कार्य योजना में सम्मिलित करा दें और विकास कार्यों को लेकर के कोई ऐसी कोई चर्चाएं नहीं, कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई जवाब ही नहीं।